मिला है हमको। नया टेंपल बन रहा है गाइस, ये हैदराबाद से थोड़ा सा दूर है, ये हैदराबाद से आई थिंक 40 किलोमीटर होगा। मुझे लग रहा है ये सिटी का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है सी। बहुत बड़ा है ना ये, अभी तो बन रहा है, जाके देखते हैं ऊपर क्या क्या है। बाप रे बाप, मेरे को तो बहुत बड़ा लग रहा है ये मंदिर सच्ची में। हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स। तो आज एक और नए लोकेशन में आप लेके आए हैं। एक्चुअली हम लोग किसी और लोकेशन में जा रहे थे मेन रोड से, तो हमको एक बहुत ही अच्छा चीज दिखा, तो हमने सोचा हम लोग ने ब्लॉग में कवर करें। वो है ये के सामने अंडर कंस्ट्रक्शन एक मंदिर बन रहा है गाइस, जो कि है ये। तो हमने एक्चुअली ये हमको मेन रोड से विजिबल हो रहा था, तो हमने सोचा जाके देखते हैं। एक्चुअली मेन रोड से बहुत बड़ा लग रहा था, तो हमने सोचा जाके देखें इसके बारे में क्या है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए, बहुत ही बड़ा है गाइस ये मंदिर। मुझे तो ऐसा लग रहा है सिटी का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है एक्चुअली। और आपको ये लोकेशन मैं बता देता हूँ, ये लोकेशन है आप NH63 जो नेशनल हाईवे जो वारंगल का है, आप उसमें आ जाएंगे। हैदराबाद से 40 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपको ये राइट साइड में आपको ये दिखेगा। तो गाइस जो इसका लोकेशन है, अगर आप हैदराबाद से आते हो तो ये 40 किलोमीटर होगा ऑलमोस्ट, बोनगिर जो प्लेस है वहां से ये लेफ्ट साइड में पड़ता है। यहाँ से यहाँ पे आसपास वैसे कोई लोग भी नहीं है, तो मे भी हो सकता है कोविड के चलते वर्कर्स है नहीं हो। आप ये देख सकते हैं ये सब छोटे छोटे नाइट्स के जो बने हुए हैं, ये सब यूज होने वाले हैं, ये पूरा ये सब यूज होने वाला है, आप सब देख सकते हैं। और ये है इसका मेन एंट्रेंस, अभी तो इसके अंदर से नहीं जा सकते, और मेन मंदिर वहां से स्टार्ट होगा। ऊपर जाके आप लोग को दिखाते हैं कितना बड़ा है ये एक्चुअली। और हम लोग को तो लग रहा है, मेरे को और शशि को, कि ये शायद सिटी का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है आउटस्कर्ट की साइड, है ना। बहुत बड़ा बना रहे हैं अभी। हाँ बहुत बड़ा लग रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग ऊपर जाके देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत बड़ा मंदिर। तो गाइस अभी हम लोग साइड से जा रहे हैं, जब ये मंदिर पूरा बन जाएगा, मुझे लगता है ये अंदर से यहाँ से जाने के लिए है एंट्रेंस, है ना शशि। तो अभी तो हम लोग साइड से जा रहे हैं, ये कोई भवन है शायद, अगर देखते हैं अगर ऊपर कोई मिलता है तो उससे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, कौन सा मंदिर है कौन सा टेम्पल है। वैसे मुझे तो हम दोनों को तो बहुत बड़ा लग रहा है ये। तो गाइस जैसे बाई चांस हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग को यहाँ पे आने का वैसे कोई प्लान तो नहीं था, है ना शशि। हम लोग किसी और लोकेशन में जा रहे थे शूट करने के लिए आप लोग के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना इसको ही कवर कर ले जाए। बहुत बड़ा है गाइस ये मेन मंदिर, आपको वहाँ पे है ये कोई भवन है, वैसे अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा क्या चीज है कहाँ पे, बट हाँ मेन मंदिर मुझे लग रहा है यही है, है किसी जी? मेन मंदिर अच्छा है। और बड़ा मूर्ति बना है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूर्ति भी बन रहा है गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू मूर्ति बन रहा है गाइस, जो बनने के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आपको बता रहा था मैं लोकेशन, वो वहाँ पे नेशनल हाईवे 163 है गाइस, हैदराबाद की तरफ से अगर आप वहाँ से आते हो तो ये राइट साइड में पड़ेगा, अगर आप इस साइड से आते हो तो लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई एक भवन है और यहाँ से एंट्रेंस है, आपको ऐसे आना पड़ेगा, और ये है जो है मेन जो मंदिर यहीं से है गाइस, ये ऐसा। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्टैचू बन रहा है गाइस, कुछ तो दिख रहा है, कौन सा स्टैचू है कवर करके रखा पता नहीं चल रहा गाइस अभी कौन सा है, लेकिन बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। क्या है ये? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है। हाँ ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर और मार्बल ही यूज हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर और मार्बल से यूज किया गया है गाइस पूरा ये मंदिर। देखते हैं और आगे क्या क्या है सर। मुझे लग रहा है वो एंट्रेंस है ना शशि, आगे आगे का बड़ा एंट्रेंस है, हाँ मेन मंदिर उसके अंदर होगा। बहुत बड़ा गाइस, बहुत बड़ा मंदिर है, आपको कैमरे में नहीं लग रहा होगा लेकिन है बहुत बड़ा। कौन सा मंदिर है? लॉर्ड विष्णु। तो गाइस ये लॉर्ड विष्णु भगवान का मंदिर है, ये सिटी का बहुत सबसे बड़ा मंदिर लग रहा है ना। हम लोग से इधर चला दिखाते,
तो गाइस ये है मंदिर जो हम बता रहे थे कि विष्णु भगवान लॉर्ड विष्णु भगवान का मंदिर है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा है ये, और बोल रहे सिटी से ये आपको 40 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऑलरेडी। कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू मंदिर। अभी दूसरे साइड से आपको एक बार दिखाते हैं। और कुछ जैसा प्लेस है यहाँ पे, थोड़ा बाउंड्री टाइप का बना हुआ है, आप लोग व्यू ले सकते हैं यहाँ से। कुछ ऐसा व्यू है गाइस यहाँ से मंदिर की ओर से, अच्छा है बहुत। वो है मेन रोड, आपको अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे मेन रोड है हाईवे, वहाँ से ये इधर आता है मंदिर। तो गाइस पता नहीं सिटी में सबसे बड़ा मंदिर यही कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि इससे बड़ा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बट मुझे तो फिलहाल तो यही लग रहा है सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। हाँ तो गाइस क्या बोल रहे थे सी वो लोग, प्राइवेट का एक कुछ। तो गाइस अभी सबसे एक बात पता चला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्राइवेट कंपनी वाला कोई बना रहा है, एक्चुअली गवर्नमेंट का इसमें फंड नहीं है। हम लोग विष्णु का टेम्पल है। हाँ विष्णु का हम लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट का फंड है और इतना बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये कोई प्राइवेट वाला लीज लेके इस मंदिर को कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो आपको एक बार उस साइड जाके भी दिखाते हैं मेन जो मंदिर है एंट्रेंस। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा, मंदिर तो बना नहीं है, हम लोग जूते खोल के जाएं कि ऐसे ही चले जाए। छोटी मंदिर अंदर के जाते हैं ऐसे दिखाने के लिए कैसा है। हाँ जूते खोल के जाना ऐसा जी। हाँ जूते खोल के जाना मंदिर में तो कभी तो बना नहीं है ना। बनाए तो अभी खोल के जाए। तो गाइस तो वो है ना रे बोनगिर फोर्ट। बोनगिर फोर्ट गाइस वो देखिए, यहाँ से आपको बोनगिर फोर्ट भी दिखेगा। एक्चुअली हम लोग आज वहीं पे जाने वाले थे। तो गाइस आज वो है बोनगिर फोर्ट, आपने सुना होगा हैदराबाद का एक फोर्ट है। एक्चुअली आप लोग के लिए वहीं हम लोग जाने वाले थे उसी लोकेशन पे शूट करने के लिए, लेकिन मिडल ऑफ दिस हम लोग को ये अच्छा मतलब एक मंदिर दिखा जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो इधर आ गए हम लोग। तो राजा शशि जाके देखते हैं और कैसा है मंदिर। हाँ गाइस ये पूरा बन जाएगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है, बहुत इसमें टूरिस्ट लोग आने वाले हैं। क्योंकि गाइस ये यहाँ पे आने के लिए बहुत इजी वे है, आप सीधा है नेशनल हाईवे से सीधे आप लेफ्ट साइड की तरफ आओगे आपको ये दिख जाएगा मंदिर, मतलब मेन रोड से दिखता है ना शशि। हम लोग को भी वहीं से दिख के एक्चुअली आए हम लोग। ये है गाइस मेन एंट्रेंस मंदिर का। यहाँ पे पता नहीं क्या है ये। तो गाइस आपका एंट्रेंस ये है जो हम लोग नीचे से आपको बता रहे थे, जो सीढ़ी है सीढ़ी से चढ़ के यहाँ से आना पड़ेगा आप लोग को। बाद ये यहाँ पे साइड में एक मूर्ति है भगवान का, कौन सा भगवान है पता है बसी तेरे को? हाँ मेरे को भी नहीं मालूम। फिर आपको यहाँ से चल के आपको ये है मेन एंट्रेंस। विष्णु मूर्ति का वाहन है। हाँ वहाँ पे है विष्णु भगवान ऊपर विराजमान। फिर आपको यहाँ से एंट्रेंस मेन जो एंट्रेंस है आपको मेन एंट्रेंस आपको ये मिलेगा गाइस, है ना। ये है मेन एंट्रेंस आपको जाने के लिए, वहाँ पे भगवान विष्णु का मूर्ति भी बना हुआ है। चल आगे अंदर जाके देखते हैं गाइस कैसा है पूरा व्यूज। जब ये बन जाएगा बहुत खूबसूरत लगेगा गाइस, है कि नहीं शशि? बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। वहाँ पे गाइस कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी भी। ये थोड़ा ये अंदर का व्यू आप लोग को दिखा रहे हैं साइड से, और ये मिडल मस्त है ना। और ये अंदर का व्यू आपको दिखा रहे हैं। जब एक बार कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो जरूर आइएगा गाइस यहाँ पे। वैसे अभी पता नहीं कब तक बनेगा ये, मुझे लगता है और 1 ईयर तो लगेगा, है ना शशि? और 1 ईयर तो लगेगा आई थिंक गाइस, और 1 ईयर तो लगेगा आई थिंक इसको बनने के लिए, है ना। ये गाइस पूरा मंदिर आप लोग देख सकते हैं। तो ये है मेन भगवान का मूर्ति जहाँ पे रहेगा। तो गाइस ये है भगवान का मेन मूर्ति जहाँ पे रहने वाला है, ये है कि नहीं? हाँ तो कबूतर लोग हैं, मूर्ति नहीं है ना अंदर? मूर्ति तो नहीं है, है भी नहीं लगा है। और यहाँ पे क्या है?
साइड साइड में छोटे छोटे नहीं मतलब दूसरे भगवान हैं उनको साइड साइड में हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कोई भगवान होंगे है ना। हाँ फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे दूसरे भगवान होंगे, नॉर्मली जो मंदिर होता है ऐसे सी टाइप का ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को है ना। अरे बस बड़ा है। शिव भगवान का है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा है बाजू को डेकोरेशन का पिलर्स में लगेगा ना डेकोरेशन का, ये मुझे लग रहा है पिलर्स में जो डेकोरेशन होता है ना उसके लिए लगेगा। रख देते हैं कहीं टूट गया तो। गाइस मेरे को सुन के बड़ा हैरानी हुआ कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। है मुझे लग रहा है ये बिजनेस के लिए लगा दिया, मंदिर भी बिजनेस के लिए होता है क्या? तो भगवान का अभी के कंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं, अगर ये गिरा तो टूट जाएगा है ना। अभी का कंस्ट्रक्शन गिरा तो टूट जाएगा, पहले जो बनते थे बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर से बनते थे, जो अभी मूर्ति बने इसमें लोहा वोहा स्टील ये सब यूज किया गया है। पहले जो मूर्ति बनते थे पूरा पत्थर को ही काट के बनाते थे, ये ऊपर लगाने का रहना है ऊपर लगाने को। हाँ ये ऊपर लगाने का नहीं बता रहा हूँ, जनरली जो पुराने जो मूर्ति बनते थे वो सब पत्थर को काट 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 के बनते थे है कि नहीं। वो ड्रैगन्स जैसा भी है, अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जगह मेरे को बहुत अच्छा लगा, जगह भी अच्छा है पीसफुल है, थोड़ा हिल में है ये पीसफुल भी अच्छा रहता है। तो गाइस देखा आपने ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी जब बन जाएगा तो जरूर आइएगा गाइस यहाँ पे विजिट करने के लिए। आपको लोकेशन मैंने बता दिया, NH है वारंगल की तरफ, अगर आप जा रहे हो तो ये आपको मंदिर राइट साइड में दिखेगा, अगर आप वारंगल से हैदराबाद की तरफ आ रहे हो तो लेफ्ट साइड में मिलेगा, लेकिन आपको विजिबल है जो हाईवे है आपको इजिली विजिबल हो जाएगा यहाँ पे आने के लिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जगह है बोनगिर है ना, लॉर्ड विष्णु का मंदिर बन रहा है ये, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मुझे लगता है 1 ईयर में अगर कोविड का अगर ज़्यादा सीन नहीं रहेगा तो ये 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा है ना। एक बार वहाँ जाते हैं उनसे पूछते हैं क्या है ये, मुझे लग रहा है यहाँ पे वो बड़ा किचन भी बन रहा है मुझे लग रहा है खाना पीना के लिए है कि नहीं। वहाँ पे गाइस कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे किचन भी बन रहा है बड़ा खाने पीने के लिए, मंदिर का अन्नदान जो होता है ना वही है। क्या बोल रहे हैं, एक ये है 360 व्यू है आपको दे रहा हूँ ठीक है, ये आपको मैंने बताया ना वहाँ से ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग आए, वहाँ नीचे से आपको आना है, नीचे से आके साइड साइड से यहाँ से मेन एंट्रेंस है ये, और ऐसा है पूरा लोकेशन। और ये ऊपर में थोड़ा कुछ डिजाइन बना हुआ है, ये साइड से देख सकते हैं मंदिर कैसा लगेगा। मेन जो मेन क्या बोलते हैं शशि, मेन जो रहता है गोपुरम बोल रहा है जो शशि, मेन जो गोपुरम है वो है वो साइड में आपको दिख रहा है। अच्छा था अभी भी लोग ऐसा इतना अच्छा डिजाइन जो कला करती है बना रहे हैं गाइस, अच्छा लग रहा है। देख ये साइड का है मंदिर का व्यू, और जो मेन जो गोपुरम जो शशि बता रहा था जो बोलते हैं वो ये है, जिनके नीचे भगवान विराजमान होंगे मेन जो भगवान विष्णु भगवान है। तो गाइस आज के डेट में भी इतना अच्छा जो ये आर्किटेक्चर है कला करती है इतना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप पूरा डिजाइन सब डिजाइन। हाँ अच्छा लग रहा है गाइस बहुत देखने में, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो अभी से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, अभी से हम लोग को इतना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। जब भी हाँ ओपन होने के बाद भी आपको जरूर इसका ब्लॉग देंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को पता चल जाए यहाँ पे कब विजिट करना है ना। लेकिन गाइस सच्ची में मस्ट विजिट है, अगर आप ऐसे भी आना चाहे तो देखने के लिए आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। अभी भी आपको उस टाइप का फील आएगा कि ये कुछ पुराना जमाने का टाइप का जो कुछ बनता है ना
उसी टाइप का फील आएगा। बहुत मस्त लग रहा है व्यू, आप देख सकते हैं। एक बार उस साइड भी जाएंगे, क्या बन रहा है उधर, पूछेंगे उनसे। चल से आगे से जाके देखते हैं यार, बिल्डिंग बन रहा है। तुम रहने को भी आए थे? हाँ, मतलब मुझे लग रहा है किचन है, स्टेइंग भी है कि? किचन होगा शायद से, है ना। गाइस ये देखो पूरा मंदिर, एक यहाँ से भी एंट्रेंस है और आपको वहाँ से आगे से हमने दिखा दिया है ना। पता नहीं यहाँ पे क्या बन रहा है, वैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस यहाँ पे। कौन सा मंदिर है भैया, कौन सा मंदिर है? हाँ, बजरंग बली, बजरंग बली। हाँ, अच्छा वो जो मूर्ति है वहाँ पे स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, तो ये विष्णु भगवान का ही बोल रहे थे ना? अच्छा सब है, सब भगवान है। ये गवर्नमेंट बना रहा है? हाँ, गवर्नमेंट बना रहा है। अच्छा, और ये क्या है, ये क्या बन रहा है? उठने पे प्रोग्राम बोला। अच्छा, वो खाने के लिए, खाने के लिए प्रस... लड़की डांस करने भी है। मंदिर में इधर शादी होगा। अच्छा, फंक्शनल फंक्शनल फंक्शन हॉल है। चलो भाई, तो ये कब तक बन जाएगा भैया? अभी 3 साल लग गया इसमें। 3 साल? ये दूसरा फ्लोर है। हाँ, अभी 3 फ्लोर ऊपर जाएगा। ओके, तो मतलब ये हैदराबाद का सबसे बड़ा मंदिर होगा? लगता तो ऐसा ही है, बड़ा मंदिर ये भी है। अच्छा, तो कितना एरिया में बना है ये? बहुत बड़ा एरिया है, देख लो आप। हाँ, दिख तो रहा है, वही बहुत बड़ा, हमको रोड से दिखा बोल के आए। अच्छा, ओके, थैंक यू भैया। बोल रहा था कि हमारे हिंदू में रिवाज है कि कोई भी मंदिर, जो भी पूजा का मतलब एंट्रेंस होता है, कहीं पे भी जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे आपको गणेश भगवान का ही, गणेश भगवान से ही स्टार्ट होता है एंट्री है। गणेश भगवान का टेम्पल, ये गणेश भगवान का टेम्पल है, उसके बाद से ये जो एंट्रेंस है। और जो आपको स्टार्टिंग में आपको मूर्ति दिखा रहा था गाइस, वो रहा, अभी जाते हैं वहाँ पे, वो है हनुमान स्टैचू जो कि बहुत ढका हुआ। और ये छोटा सा, सबसे पहले अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो आपको सबसे पहले गणेश भगवान का टेम्पल मिलेगा, उसके बाद से मेन टेम्पल स्टार्ट होता है। तो गाइस वो वर्कर तो बोल रहे थे 3 इयर्स लग जाएगा, बट जल्दी स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। तो गाइस ये वाला स्टैचू बता रहे थे, ये हनुमान जी का स्टैचू है। और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, वैसे तो पता नहीं है क्या है, कल्याण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे शादीवादी, शादीवादी भी हो सकता है, कल्याण भी करते हैं। तो गाइस ये स्टैचू आपको स्टार्टिंग में जो बता रहे थे, हनुमान जी का स्टैचू है ये। और ये पूरा मंदिर आप देख लो एक बार फिर से। ओके, दैट्स इट गाइस, बहुत अच्छा ब्लॉग बन गया आज का, होप आपको पसंद आएगा ये ब्लॉग। तो ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे, और प्लीज़ आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइज, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है ये। अब हमारा कोशिश यही रहेगा, कुछ भी मतलब ऐसा कोई भी अनएक्सप्लोर जगह हो जहाँ हम उसमें एक्सप्लोर कर सके और आप लोग को बता सके गाइज। तो गाइज मैं आप लोग को ये बोल रहा था, आप लोग भी ट्रैवल करें, अगर आप लोग को भी कभी फ्री टाइम मिलता है तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आप लोग भी ऐसी जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइज, जैसे हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी प्लीज निकलिए घर से, आप सिटी में रहते हैं तो खाली मॉल ही नहीं है जाने के लिए, आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइज इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा गाइज कैसा लगा ये वीडियो। प्लीज इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो क्वेश्चन, आप हमको कमेंट में कर सकते हैं। और आपको ये लोकेशन है जो हम लोग आपको गूगल मैप में पिन कर देंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज गाइज हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, प्लीज गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, और तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, और कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग, और सुनो सबकी, करो दिल की। दैट्स इट गाइज।